नागरिकता कानून का संसद में विरोध करने के बाद में अब कांग्रेस, टीएमसी और वाम दलों की राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इसे लागू करने से इनकार कर रही हैं। लेकिन ये केवल राजनीतिक बयान भर है, क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार पूरे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के पीछे अपने अपने तर्क भी दे रहे हैं। हम कभी भी एनआरसी और नागरिकता कानून को बंगाल में अनुमति नहीं देंगे। हम नागरिकता कानून में संशोधन को लागू नहीं करेंगे, भले ही इसे संसद ने पारित कर दिया हो। बीजेपी राज्यों को इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल के अलावा 6 राज्यों ने भी इस बिल के खिलाफ झंडा उठा लिया है और सीएबी को असंवैधानिक बता रहे हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। इन 7 राज्यों ने तो इसे लागू नहीं करने तक का फैसला कर लिया है, जिस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या राज्यों को ये अधिकार है कि वो केंद्र के बनाए कानून को लागू नहीं कर सकते? कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और उसको राज्यों को भी लागू करना होगा। नागरिकता भी ऐसा ही विषय है। अगर नागरिकता को लेकर केंद्र कोई कानून बनाता है तो राज्यों को उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में 17वें नंबर पर साफ तौर पर लिखा है कि नागरिकता का विषय केंद्र के अधीन आता है, राज्यों से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या कहता है संविधान? राज्य नागरिकता को लेकर कुछ नहीं कर सकते। नागरिकता का मुद्दा संविधान की 7वीं अनुसूची में आता है। संघ सूची में नागरिकता का जिक्र किया गया है। नागरिकता पर संसद ही कानून बना सकती है। राज्यों को नागरिकता कानून को इनकार करने का हक नहीं। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य इस बिल को लागू करने से मना नहीं कर सकते। इससे साफ है कि नागरिकता के विषय पर राज्य केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकते। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके गांगुली का कहना है कि राज्य सरकारें नागरिकता से जुड़े कानून का अमल रोक नहीं सकती, क्योंकि नागरिकता से जुड़ा मुद्दा केंद्र सरकार के दायरे में आता है। उसे ही ये तय करने का हक है कि कौन देश का नागरिक होगा और कौन नहीं। भले ही 7 राज्यों ने नागरिकता संशोधन बिल को लागू नहीं करने की बात कही है, लेकिन इसके कानूनी पहलू भी साफ है कि राज्यों को केंद्र की बात माननी ही होगी। वहीं नागरिकता बिल पर रण छिड़ा हुआ है और ममता बनर्जी ने बिल के विरोध में सोमवार को बड़ी रैली करने जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या टर्न आता है। द पीपल्स फ्रीडम इवन इन द कश्मीर। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। इकॉनमी बाय टेकिंग वेरियस डिसीजंस दैट यू ऑल नो, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी।